मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हेमरॉइड्स के बारे में या फिर पाइल्स के बारे में। इसको हम दोनों बोल सकते हैं, हेमरॉइड्स भी बोल सकते हैं और पाइल्स भी बोल सकते हैं, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं बवासीर। आजकल ये समस्या हर किसी को है, लगभग बहुत सारे लोगों को ये समस्या है, और अगर आप भी इस समस्या से ग्रसित हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका कारण क्या होता है और हम क्या क्या कर सकते हैं अगर ऐसी स्थिति हो गई है तो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पूरा देखें, क्योंकि अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको ट्रीटमेंट करनी है लोगों की, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो समस्या है ये कहाँ पे होती है, हमारे बॉडी के कौन से भाग में होती है, कौन से तंत्र में होती है, मतलब कौन से सिस्टम में होती है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को इक्विवेलेंट लेकर के चलना है ताकि समझने में आसानी हो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में होती है, पाचन तंत्र होता है हमारे बॉडी में। तो जब हम खाना खा लेते हैं और जो खाना वेस्ट होता है, मतलब डाइजेशन के बाद जो बच जाता है, उसको हम बोलते हैं मल। तो वो जो मल होता है वो रेक्टम में आकर के जमा होता है, मतलब एज अ वेस्ट वो होता है, और फिर समय समय से एनस के थ्रू, एनस क्या है, ये बाहर वाला छोटा सा है, इसके थ्रू बाहर निकलता है। तो हम एनस के थ्रू मल को त्याग करते हैं, लेकिन रेक्टम को हम हिंदी में बोलते हैं मलाशय, और यहाँ पे बचा हुआ पदार्थ जो बाहर एज अ वेस्ट निकलना चाहिए वो मलाशय यानी कि रेक्टम में जाकर के जमा होता है। तो ये जो पाइल्स है, ये जो हेमरॉइड्स है या फिर ये जो बवासीर है, उसमें क्या होता है, इस रेक्टम में और इस एनस में क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। अब इस एनस और इस रेक्टम में स्वेलिंग मतलब सूजन हो जाती है। अब सूजन कहाँ पे होगी, देखिए मैंने क्या लिखा है, हेमरॉइड्स या फिर पाइल्स आर पेनफुल, मतलब ये दर्दनाक होती है। उसके बाद इसमें सूजन होती है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्वलन। एंड लार्ज बल्जिंग ब्लड वेसल्स इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एनस और रेक्टम, ठीक है। अब लोअर पोर्शन को क्या है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ये है लोअर पोर्शन, ये है रेक्टम जहाँ पे मल इकट्ठा हो रहा है, और ये है एनस जहाँ से हम मल को पास करते हैं, वेस्ट को बॉडी से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ में नीचे की तरफ क्या होती है, ब्लड वेसल्स, खून की नली हमारे बॉडी में हर जगह में होती है, हर अंग में होती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी होगी, जब यहाँ पे खून की नली होगी तो वो खून की नली में क्या होगा, स्वेलन, मतलब उस खून की नली में सूजन आ जाएगी। मतलब अगर नली कैसी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उसमें सूजन आ जाएगी, इस तरह होती है, ठीक है। या फिर वो थोड़ी सी फैल जाएगी, बल्जिंग का मतलब होता है नीचे की तरफ, एक तरह समझिए कि इस टाइप से थोड़ी सी ज़्यादा ही फैल जाएगी। अगर यहाँ पर ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है तो यहाँ से देखिए पतला हो जाएगा ऐसे फैल करके, ठीक है। उसके बाद लोअर पोर्शन ऑफ द रेक्टम एंड एनस, ये जो लोअर पोर्शन है उसमें जो खून की नली पाई जा रही है उसमें क्या होगा, सूजन होगा, वो थोड़ी सी फैल जाएगी, और फिर पेशेंट को या फिर जिसको है उसको दर्द महसूस होगा। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि हेमरॉइड्स के टाइप्स कितने होते हैं, मतलब पाइल्स की समस्या तो है लेकिन ये समस्या भी टाइप्स में, इसके प्रकार भी होते हैं, ठीक है। तो इसकी टाइप्स कितनी होती है, दो टाइप्स होती है, पहला है एक्सटर्नल हेमरॉइड्स और दूसरा है इंटरनल हेमरॉइड्स, ठीक है। अब एक्सटर्नल हेमरॉइड्स और इंटरनल हेमरॉइड्स का क्या मतलब होता है, एक्सटर्नल हेमरॉइड्स का मतलब होता है ये जो एनस है इसके जस्ट हल्का सा अंदर, यहाँ पे एक छोटा सा आपको मिलेगा कि मटर के दाने जैसी थोड़ी सी आपको सूजन मिलेगी, ठीक है, जो कि ब्लड वेसल्स यानी कि जो खून की नली है वो थोड़ी सी वहाँ पे सूज जाएगी। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, यूजुअली पेनलेस, अगर ऐसी समस्या होती है तो पेशेंट को दर्द महसूस नहीं होता है, बस थोड़ा सा यहाँ पे एनस के पास, मतलब अगर आप मल त्याग करते हैं और उस टाइम में अगर आप अपनी फिंगर को, अपनी उंगली को अगर आप टच करेंगे, यहाँ पे स्पर्श करेंगे, तो आपको फील होगा कि वहां पे थोड़ा सा कुछ निकला हुआ है, ठीक है। तो यहां पे होता है और ये पेनलेस होता है, मतलब पेशेंट को कोई भी दर्द तो नहीं होता है लेकिन ये थोड़ा सा यहां पे निकला हुआ होता है। अगर यहां पे ब्लड क्लॉट कर जाए, मान लीजिए कि यहां पे जो थोड़ी सी निकली हुई पार्ट है, ब्लड वेसल्स थोड़ी सी निकल गई है बाहर और आप फिंगर से उसको टच कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें चोट लग जाए, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसी आप कुछ भाग दौड़ कर रहे हैं या फिर कुछ आप खेलते हैं, तो उस कंडीशन में अगर यहां पे चोट लग जाए मे बी, तो वहां पे क्या होगा, यहां पे अगर
ब्लड की क्लॉटिंग हो गई, मतलब अगर वो रप्चर हो गया, वो फट गया और उसके बाद ब्लड की क्लॉटिंग हो गई, तो पेशेंट को दर्द महसूस होगा, ठीक है। और उसके बाद ये हार्ड लंप, उसके बाद क्या होगा, ब्लड क्लॉट करने के बाद, ब्लड वहाँ पे जमा होने के बाद वो एक गांठ में बदल जाएगा, मतलब एक अगर आप टच करेंगे यहीं पर तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। अभी क्या है, अभी सिर्फ सॉफ्ट है, थोड़ा सा आपको फील होगा कि कुछ निकला हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर चोट लग जाए और खून यहाँ पर जम जाए तो उसके बाद ये हार्ड हो जाएगा, हार्ड टाइप की गांठ से बन जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल, क्योंकि बॉडी के अंदर ही है, लेकिन बॉडी के बाहर जब हम आप फिंगर को टच करेंगे तो ये फील होगा, तो हम इसको रखेंगे एक्सटर्नल में। अब इंटरनल हेमरॉइड्स किसको बोलते हैं, डेवलप विद इन द एनस बीनीथ लाइनिंग। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि यहां पे बॉडी के अंदर जो मलाशय है, इसमें जो ब्लड की वेसल्स है, इसमें जो खून की नली है, उसमें क्या हो जाता है, उसमें हेमरॉइड्स हो जाती है, मतलब उसमें जो ब्लड वेसल्स है वो सूज जाता है, उसमें सूजन हो जाती है। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें दर्द तो नहीं होगा पेशेंट को, लेकिन ब्लड निकलेगी। इस कंडीशन में क्या होगा कि दर्द तो नहीं होगा पहले, उसके बाद लेकिन वहाँ पर खून ज़रूर निकलेगा, मतलब पेनलेस ब्लीडिंग होगी। और प्रोट्यूजन, प्रोट्यूजन का मतलब है कि इस तरह, अगर यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, समझिए कि ये है मलाशय और ये नीचे की तरफ आ गई है एनस, तो ये एनस है, ये मलाशय है, ठीक है, यानी कि रेक्टम। तो यहाँ पे जो खून की नली है वो कुछ इस टाइप की होगी, और यहाँ पे जिस तरह अंगूर का गुच्छा होता है, इस तरह ब्लड वेसल्स, खून की नली इस तरह हो जाएगी और इसमें से खून निकलेगा बाहर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये बॉडी के अंदर है, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति है तो पेशेंट को, अगर पेशेंट किस वजह से होती है, हम जानते हैं कि पाइल्स की जो समस्या है वो कब्ज की वजह से होती है, ठीक है। उसके और भी कारण है, अगर आपको समझने हैं तो आप लेक्चर को पहले पूरा देखिए, हमेशा आप लोग कॉमेंट करते हैं कि समझ में नहीं आए, ठीक है। तो इस वजह से क्या होती है, यहाँ पे अगर ये ब्लड निकली, अब ये श्रिंक कर जाएगी, श्रिंक मतलब सिकुड़ भी जाएगी। अगर आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या है अगर आपको, और अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं, या फिर आप अपने डाइट में, अपने खान पान में फाइबर को ऐड करते हैं, मतलब फाइबर वाली चीज़ें खाते हैं, उससे क्या होता है, उससे पाचन की जो क्रिया होती है वो अच्छे से हो पाती है। तो अगर आपका जो स्टूल है, जो आपका मल है, वो अगर सॉफ्ट फिर निकलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये फिर खुद पे खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ये सीवियर हो गया, सीवियर हो गया, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है किसी को, बहुत ज़्यादा कब्ज है, उस कंडीशन में ट्रीटमेंट वहां पे चाहिए पेशेंट को, क्योंकि ये जो निकली हुई है वो कुछ ज्यादा ही निकल जाएगी और यहां से ब्लड बहुत ज्यादा पास होगा। अगर किसी को बवासीर की समस्या है, या फिर हेमरॉइड्स की समस्या है, या फिर अगर आपको पाइल्स की समस्या है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये किस कारण की वजह से आपको हो गई है, या फिर अगर किसी को भी होता है तो किस कारण की वजह से ऐसा होता है। सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही जिम्मेवार नहीं होता है, इसके बहुत सारे कारण है। पहला क्या है, एजिंग, जो व्यक्ति अधिक उम्र के होते हैं उनमें ये समस्या ज़्यादा होती है। दूसरा क्या है, एनल सेक्स, मतलब अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई महिला या फिर कोई पुरुष आपस में एनल सेक्स करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एनस में सेक्स करते हैं, और सेक्स करने के लिए जगह भगवान ने क्या बनाई है, वो है वेजाइना, मतलब जो फीमेल की वेजाइना होती है वो होती है, लेकिन एनल सेक्स करने की वजह से बवासीर की समस्या हो सकती है। इसके बाद क्या है, सीवियर कफिंग, मतलब किसी को अगर बहुत ज़्यादा खांसी होगा तो कमर के पास बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा, मतलब यहां भी प्रेशर बनेगा, जिसके कारण समस्या हो सकती है। इसके अलावा है लिफ्टिंग हेवी ऑब्जेक्ट्स रेगुलरली, अगर कोई आदमी कोई भारी सामान कंटिन्यू उठाएगा, मतलब बहुत लंबे समय तक अगर आप भारी वजन वाले सामान को अगर आप उठाएंगे तो क्या हो सकता है, तो हेमरॉइड्स की समस्या हो सकती है, बवासीर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा हेरिडिटी, बच्चों को माता पिता से ये समस्या आती है, ठीक है। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी के टाइम में ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है, लगभग सभी महिलाओं को ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि उनको कब्ज की शिकायत होती है प्रेगनेंसी के टाइम में, और फिर उनको हेमरॉइड्स या फिर बवासीर की समस्या भी हो जाती है, और जब वो बच्चे को जन्म देती है उस टाइम भी हो जाती है। फूड दैट आर लैकिंग इन फाइबर्स, फाइबर्स क्या होती है, जो फाइबर होती है हमारे खाने में वो क्या करती है, वो हमारे डाइजेशन को सही करती है, वो हमारे पाचन को बहुत अच्छे से रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। लेकिन जो हम खाना खाते हैं उसमें अगर फाइबर नहीं है, अगर आप भी जो खाना खाते हैं उसमें अगर फाइबर नहीं है तो क्या हो सकता है, तो हेमरॉइड्स यानी कि बवासीर की समस्या आपको हो सकती है। इसके अलावा है एनल
इन्फेक्शन, अगर यहाँ पे जहाँ से हम मल त्याग करते हैं अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी वायरस की वजह से, तो भी आपको समस्या हो सकती है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन मतलब बहुत लंबे समय से अगर किसी व्यक्ति को कब्ज की समस्या है तो उसको बवासीर पक्का होगी ही। इसके अलावा है डायरिया, दस्त अगर बहुत ज़्यादा होगा तो भी यहाँ की जो ब्लड वेसल्स है उसमें सूजन आ सकता है। और जब ब्लड वेसल्स में यानी कि जो खून की नली जो रेक्टम में, रेक्टम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मलाशय, और एनस में जो ब्लड की नली होती है वहाँ पर सूजन होगी तो वहाँ पर ब्लड बाहर निकलने की स्थिति बन सकती है। और जब ब्लड बाहर निकलेगा और यहाँ पे सूजन होगा तो बवासीर की समस्या या फिर हेमरॉइड्स की समस्या हो जाएगी। इसके अलावा है पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है, याद रखिए लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी बवासीर की समस्या हो जाती है। इसके अलावा भी क्या कारण हो सकते हैं, स्ट्रेनिंग विद बाउल मूवमेंट, इसका मतलब होता है मल त्याग करते टाइम में, बाउल मूवमेंट का मतलब है कि जब इस एनस से जब मल त्याग कर रहा है कोई व्यक्ति और उसको पेट में उस टाइम खिंचाव महसूस हो तो बवासीर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा है ओबेसिटी, मतलब मोटापे की वजह से, और बींग ओवरवेट, मतलब अगर वजन ज़्यादा है नॉर्मल वजन से तो बवासीर की समस्या हो सकती है। ओवर यूज ऑफ लेक्सेटिव एंड एनिमस, इसका क्या मतलब होता है, अगर किसी व्यक्ति को कब्ज है ठीक है तो उसको हम लेक्सेटिव देते हैं और एनिमस देते हैं। एनिमस क्या करते हैं, इसी में हम एक इस टाइप की होती है छोटी सी पील्स टाइप की, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं इसमें इंसर्ट करते हैं, इसमें डालते हैं एनस में, ताकि यहाँ पे जो स्टूल है जो मल है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और उसको मल त्याग करने में आसानी हो। ये हम तब देते हैं जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा कब्ज की समस्या होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग करता है और बार बार इसको लेता है तो उसके बॉडी में क्या हो सकती है, उसके बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाएगी, मतलब उनको कब्ज तो रहेगा और वो कभी ठीक नहीं होगा। तो बार बार ये लेने से भी बवासीर की समस्या हो सकती है, यहाँ का जो वेंस है वो फिर सूज जाएगा और यहाँ पे सूजन हो जाएगी और फिर वहाँ से ब्लीडिंग भी आएगी। सिटिंग ऑन टॉयलेट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक मल त्याग करता है और बार बार प्रेशर लगाता है, मतलब मल का भी एक लिमिट होता है कि एक दिन में आपको कितना त्याग करना है, ठीक है, लेकिन अगर वो बार बार ज़बरदस्ती कोशिश करता है तो उस कंडीशन में भी यहाँ के जो वेंस होते हैं, यहाँ की जो खून की जो नली होती है उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है। क्लीनिंग एनस टू फ्रिक्वेंटली और टू हार्ड, मतलब अगर ये जो एनस है इसको अगर हम फिंगर से टच करेंगे, अपनी उंगली से अगर हम टच करेंगे तो ये टच होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग मल त्याग कर लेते हैं तो यहाँ पे सफाई करते हैं पानी से, तो उस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी से और बहुत हार्डली, मतलब सॉफ्ट से करना चाहिए क्योंकि यहाँ की जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत रफली अगर इसको साफ करता है तो उस कंडीशन में भी बवासीर की समस्या हो सकती है। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आप ना करें। इसके अलावा होती है क्रॉनिक लीवर डिजीज़, अगर लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर में अगर बीमारी है तो उस कंडीशन में भी बवासीर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, बहुत लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति बैठ करके काम करता है, जो हमेशा बैठे रहते हैं और काम करते हैं, कंप्यूटर पे हो गया या फिर कोई ऑफिस वर्क हो गया, तो उन लोगों को ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा है प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, बहुत लंबे समय तक खड़े होकर के जो लोग काम करते हैं उनमें भी ये समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल और ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब होता है यहाँ की जो अंदर, यहाँ पे एनस की बात नहीं हो रही, एनस तो ये है कि बाहर का जो किनारा होता है वो हल्का सा अंदर जाएंगे तो ये जो रेक्टम है उस वो थोड़ा सा ये यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो अंदर में यहाँ की जो टिश्यू होती है, टिश्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो स्किन होती है अंदर वाली स्किन उसको हम बोलते हैं टिश्यू या फिर लेयर बोल सकते हैं, यहाँ की जो लेयर होगी उसमें ग्रोथ होने लगेगी, वो अभी तक कैंसर नहीं है लेकिन अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो वो कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। तो अगर यहाँ के लेयर में हल्की सी उसकी स्किन बढ़ रही हो जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही हो तो वहाँ पे हो सकता है कि यहाँ की जो वेंस है वो अफेक्टेड हो और वो सूज जाए, उसमें सूजन हो जाए और वहाँ पे फिर ब्लीडिंग हो जाए, तो वहाँ पे बवासीर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर किसी व्यक्ति को ऐसा है तो कारण बनता है कि बवासीर उसको हो जाएगी। इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, इसका मतलब है कि मल त्याग करते टाइम में पेट में दर्द होना हमेशा, या फिर अगर मल त्याग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ऐठन महसूस होना, तो ये एक सभी सिंड्रोम होती है, बीमारी होती है जिसमें पेशेंट को अगर ऐसा होता है तो पेशेंट
को बवासीर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनको हो ही जाती है, ठीक है। वेनस ऑब्स्ट्रक्शन एंड कंजेशन, मान लीजिए कि यहाँ पे जो रेक्टम है, यहाँ पे खून की नली होती है और यहाँ पे वेन्स, वेन्स का मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड बहती है, और आर्टरी का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन वाली ब्लड बहती है। तो हर बॉडी के हर अंग में, मतलब सभी लोगों में वेंस और आर्टरीज सभी में होती है, मेल में भी और फीमेल में भी। तो बॉडी के सभी अंग में आर्टरीज भी जाती हैं जो कि ऑक्सीजन वाली शुद्ध ब्लड को लेकर के जाती है, और फिर वेंस जो अंग होते हैं वो उस शुद्ध ब्लड को यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद वो कुछ वेस्ट बच जाता है उन, वो फिर वेंस में अपने ब्लड को गिरा देते हैं। तो ब्लड में ही वो वेस्ट होता है, तो जो वेस्ट वाला होता है ब्लड वो वेंस के थ्रू जाता है फिर हार्ट में, मतलब हमारे दिल में, और फिर जो हमारा हार्ट होता है वो फिर फेफड़े में ब्लड को भेजता है ताकि वो वहाँ से ऑक्सीजन लाए और वो प्योर हो जाए, वो शुद्ध हो जाए। तो इस कंडीशन में यहाँ की जो वेंस है, अगर यहाँ पे आर्टरीज भी आती है और यहाँ पे वेंस भी आती है, तो यहाँ की जो वेंस है जिसमें ऑक्सीजन वाली ब्लड नहीं बहेगी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड बहेगी, मतलब यहाँ पे सभी ऑर्गन को, अगर ये रेक्टम है तो रेक्टम को ऑक्सीजन मिल गया, उसके बाद यहाँ की जो लेयर है उसको ऑक्सीजन मिल गया ब्लड के थ्रू, उसको न्यूट्रिएंट्स मिल गया, ठीक है, पोषक तत्व उसको मिल गया, और फिर वहाँ पे क्या होगा कि जो अशुद्ध ब्लड होगा वो फिर वेंस में ड्रेन हो जाएगा, वो फिर वेंस में गिर जाएगा, और वेंस के माध्यम से ही वो फिर बॉडी के ऊपर जाएगा और फिर हार्ट में जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वेंस होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब उसमें या तो अगर ये वेंस है, ठीक है, अगर ये वेंस है, चलिए कोई बात नहीं, अगर ये वेंस है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अगर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, या फिर अगर वो कुछ वहाँ पे रप्चर हो जाता है, या फिर वहाँ पे गांठ बन जाती है, तो ब्लड ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है बाधा हो जाएगा, और जिससे कि ब्लड वहाँ पे जमा हो जाएगा। जब वहाँ पे ब्लड जमा हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है, जो यहाँ पे खून की नली है, वहाँ पे प्रेशर पड़ने के कारण उसमें सूजन आ जाएगा, और जब यहाँ पे सूजन होगा तो हो सकता है कि वो फिर डायलेट कर जाए, ब्लड वेसल्स फैल जाए, और जब वो फैलेगा तो उस कंडीशन में बवासीर की समस्या हो सकती है। अब हम इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि अगर कोई बीमारी आपको है तो वो अभी जस्ट अगर आपको हुई है तब वो कैसी होती है, आपके बॉडी में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, और समय के साथ कैसे होते चली जाती है, और लास्टली आपका जो ऑर्गन है जिसमें में आपको डिजीज़ हो रखी है वो कैसी हो जाती है, या फिर बॉडी पे क्या क्या अफेक्ट पड़ता है, तो इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है हेमरॉइड्स की, अगर हम बात करें कारण की, तो मैंने आपको बहुत सारे कारण बताए हैं जिनकी वजह से बवासीर की समस्या होती है। तो पैथोफिजियोलॉजी हर एक कारण पे अलग अलग बन सकता है, इसको हम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स जो भी आप लोग देख रहे हैं, इसका जो हम पैथोफिजियोलॉजी लिखते हैं बवासीर की, हेमरॉइड्स की, या फिर पाइल्स कह लीजिए, उसकी पैथोफिजियोलॉजी को हम एरोवाइज लिखते हैं। हम कभी भी पैराग्राफ में पैथोफिजियोलॉजी को नहीं लिखते हैं, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और दूसरा, आपको इसको अपने लैंग्वेज में लिखना होता है, और आप अपने लैंग्वेज में भी इसको बना सकते हैं। तो मैंने कुछ इस टाइप से लिखा है, और जितने मैंने कॉजेस बताए हैं उन सभी कॉजेस पे एक अलग अलग पैथोफिजियोलॉजी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने मेनली जो लिया वो होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, अगर हेमरॉइड्स की समस्या है, बवासीर की समस्या है, तो वो कैसी होगी, ठीक है। तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, इंक्रीज्ड इंट्रा पेल्विक प्रेशर। इसका मतलब है अगर किसी को कब्ज की समस्या है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पाचन की क्रिया हो जाएगी तो जो मल होगा वो रेक्टम इकट्ठा होगा, और वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, वो सॉफ्ट नहीं होगा, और उसको मल त्याग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो बहुत ज़्यादा जब दिक्कत होगी और उसको मल त्याग करना होगा तो वो बहुत प्रेशर लगाएगा, बहुत जोर लगाएगा मल त्याग करने में। तो यहाँ पे कमर के पास की जो हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं पेल्विक रीजन एरिया जो होती है, और वो जो बोन होती है, जो हड्डी होती है, उसको हम बोलते हैं पेल्विक बोन। तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर होगा, इसलिए मैंने लिखा इंट्रा पेल्विक, मतलब पेल्विक रीजन जो है, पेल्विक जो बोन है उसके अंदर में क्या ऑर्गन है, ये वाली होती है ऑर्गन, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उसी में होती है, ठीक है। तो कमर के पास, यहाँ पे देख लीजिए, कमर के पास में ऑर्गन होती है, यहाँ पे मेल का होता है और फीमेल का भी होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है, मतलब प्रजनन अंग यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा ये जो रेक्टम है ये भी यहाँ पे आती है, ठीक है। तो ये मैं डिटेल से नहीं अभी बताऊंगी क्योंकि इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे होती है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा पेल्विक प्रेशर, मतलब इस जो बोन है, ये जो हड्डी है, उसके अंदर जो सभी अंग है उस पर प्रेशर पड़ेगा। कमर के पास आपको जोर अगर आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर फील होगा, ठीक है। आप लोगों ने ये महसूस भी किया होगा, अगर किसी को कब्ज की समस्या है तो आप खुद से इसको रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद है स्वेलिंग,
ठीक है, मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ पे जोर पड़ेगा तो यहाँ की जो खून की नली है वो सूज जाएगी, उसमें सूजन हो जाएगी। जब उसमें सूजन होगी तो क्या होगा, तो जैसे ही सूजन होगा तो हमारा बॉडी जो है वो नेचुरली क्या करेगा, इसको ठीक करने की खुद पे खुद कोशिश करेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में हर चीज़ का एक अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको ठीक करने के लिए जैसे ही सूजन होगी वैसे इसको ठीक करने के लिए हमारे बॉडी में क्या रिलीज़ होगा, हमारे बॉडी में लोकल सेरोटोनिन रिलीज़ होगा, जिसको हम बोलते हैं 5-HT, 5-हाइड्रो ट्रिप्टामाइन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये रिलीज़ होगी। तो ये क्यों रिलीज़ होती है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में ये डायरेक्टली रिलीज़ हो जाती है और इसको रिलीज़ ब्रेन करता है। अब ये ब्रेन इसको क्यों रिलीज़ करता है हमारे बॉडी में, ताकि यहाँ पे जो सूजन है वो कम हो जाए। ये एक तरह से कोई भी अगर बॉडी में घाव हो जाता है तो वहाँ पे ये रिलीज़ होता है। और दूसरी बात कि ये उस टाइम भी रिलीज़ होता है अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी बात नहीं करने वाले हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इस अभी हम सिर्फ इतना बात करेंगे कि जैसे ही यहाँ पे सूजन होगी वैसे ही लोकल सेरोटोनिन रिलीज़ हो जाएगी, ताकि ये जो सूजन है वो ख़त्म हो जाए। हमारा बॉडी कोशिश करेगा खुद को ठीक करने का। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एफरेंट वेनस कॉन्स्ट्रिक्शन, जैसे ही ये रिलीज़ होगी वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे जो सूजन है वो थोड़ी सी सूजन कम हो जाएगी। और जब कम हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि ये देखिए, ये जो यहाँ पे खून की नली है वो थोड़ी सी सिकुड़ सी जाएगी। जैसे ही ये सिकुड़ेगी वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे थोड़ा सा डायलेट कर गया है, फैल गया है ब्लड वेसल्स, तो सिकुड़न होगी। सबसे पहले जब सिकुड़न होगी तो वहाँ पे हो सकता है कि जो नली है उसका जो लेयर है, जो ट्यूब लाइक है, वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये फैली हुई थी। तो जब लूज होगा तो वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि ब्लड का थक्का बन जाएगा, खून का थक्का वहाँ पे बन सकता है। और जैसे ही वहाँ पे खून का थक्का बनेगा, अगर बाय द वे अगर यहाँ पे चोट भी लग जाए या फिर ये खुद पे खुद रप्चर हो जाए, मतलब वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है, खून की नली, अगर वो फट भी जाए, तो उसको ठीक करने के लिए क्या होगा, खून का थक्का बनेगा। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। जब खून का थक्का बनेगा वैसे ही पेट में खिंचाव महसूस होगा, तब जब कोई व्यक्ति मल पास करेगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर ठीक करने के लिए ये उपाय तो हुआ है, यहाँ पर रिलीज हो गई, यहाँ पर ठीक करने के लिए ये उपाय किया गया है, इसलिए सिकुड़ गई है, वहाँ पर खून का थक्का भी बन गया है ताकि ब्लीडिंग ना हो। लेकिन अगर उस व्यक्ति को अभी भी कब्ज है और वो अभी भी जोर लगा करके मल को त्याग करता है तो क्या होगा, तो वो जो सिकुड़ी ही ब्लड वेसल्स है और वो जो खून का थक्का है वो फिर से रप्चर्ड हो जाएंगे, वो फिर से फट जाएंगे और फिर से यहाँ से ब्लीडिंग आने लगेगी और उसको पेट में खिंचाव भी महसूस होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका जो मल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा कठोर है। उसकी वजह से क्या होगा, वेनस ड्रेनेज इम्पेयरमेंट। जैसे ही यहाँ पे ऐसी स्थिति जैसे ही उत्पन्न होगी वैसे ही क्या होगा, वैसे ही यहाँ पे जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे खून का थक्का बना हुआ है और उसको प्रेशर भी हो रहा है, उसको जो हार्ड स्टूल है वो भी यहाँ से निकल रहा है, तो सारा प्रेशर मतलब लग रहा है लेकिन ब्लड ऊपर नहीं जा रहा है यहाँ पे खून के थक्के की वजह से। ठीक है, तो बॉडी में नॉर्मल प्रोसेस हो रही है ठीक करने के लिए, बट उसको अभी भी कब्ज है, इस कारण से ये समस्या होती है। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज कंजेशन, यहाँ पे क्या होगा, खून भी जमा रहेगा और ब्लड की क्लॉटिंग की वजह से ऊपर खून पास नहीं होगा, क्योंकि उसको खून को जाना है हार्ट में लेकिन वो खून नहीं जा पाएगा, जिससे कि ब्लीडिंग होने लगेगी, क्योंकि वहां पे प्रेशर पड़ रहा है, वो जोर लगा करके मल को त्याग करने की कोशिश कर रहा है तब जब उसका स्टूल अभी भी हार्ड है। ठीक है, तो ब्लीडिंग होने लगेगी, इचिंग, यहाँ पे उसको खुजली होगी और उसको दर्द भी महसूस होगा जब ब्लीडिंग यहाँ से होगी, जब यहाँ से खून निकलेगा तब। अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देखते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब होता है, साइन और सिम्टम्स। अगर आपको बवासीर की समस्या है तो आपके शरीर में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बाहर से अगर हम बात करें एनस की, तो कैसी दिखती है, देखिए यहाँ से एक तरफ ये है एनस, इसको हम बोलते हैं एनस, और ये अंदर से फिर रेक्टम, यानी कि शरीर के अंदर से फिर ये रेक्टम शुरुआत होती है इस रेक्टम की। ठीक है, तो बाहर से ये एनस है और यहाँ पे लास्ट में जो पोर्शन है ये वाली, हम इसको बोलते हैं एनस। ठीक है, तो एनस के थ्रू हम क्या करते हैं, मल को पास करते हैं। तो जब मल पास होती है और बवासीर की समस्या है, उसमें क्या होगा, पेनलेस ब्लीडिंग होगी, मतलब दर्द महसूस नहीं होगा लेकिन यहाँ से खून निकलेगा, यहाँ से बॉडी के बाहर खून निकलेगा। ठीक है,
ड्यूरिंग बॉवेल मूवमेंट, बॉवेल मूवमेंट का मतलब है अगर कोई व्यक्ति मल त्याग करता है, अगर आपको बवासीर है और आप भी ये नोटिस करते होंगे कि आप जब मल को त्याग करते हैं तो उसमें से खून निकलता है, ठीक है, तो यहाँ से खून निकलेगा। दूसरा क्या है, ब्राइट रेड ब्लड ऑन स्टूल, मतलब जो खून होगा उसका कलर एकदम लाल होगा। तीसरा क्या है, इचिंग और इरिटेशन इन एनल रीजन, एनल रीजन का मतलब होता है ये जो एनस है इसके आसपास की जो एरिया है इसमें इरिटेशन महसूस होगी, मतलब कि उसमें थोड़ी सी खुजली भी होगी और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, आप हमेशा ये महसूस करते होंगे अगर आपको ये समस्या है तब। उसके बाद है पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग बॉवेल मूवमेंट, मल त्याग करते समय क्या होगा, दर्द महसूस होगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा डिस्कम्फर्ट, मतलब अच्छा फील नहीं होगा। अगर बवासीर की समस्या है तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा है एनल एक, एक का मतलब होता है यहाँ पे ये वाला पोर्शन में दर्द होगा। दूसरा है पेन होगा, स्पेशली वाइल सिटिंग, जब कोई व्यक्ति बैठेगा और उसको बवासीर की समस्या है तो यहाँ के पोर्शन में बैठेगा तो क्या होगा, प्रेशर पड़ता है तो वहाँ उसको दर्द महसूस होगा। उसके बाद है सेंसेशन ऑफ बर्निंग, ऐसा फील होगा जैसे कि इस वाले एरिया में उसको जलन महसूस हो रही है और उसको खुजली भी करेगा अराउंड द एनस, यहाँ के जो आसपास यानी कि बाहर से जो स्किन है यहाँ के आसपास की उसमें क्या होगा, उसमें खुजली महसूस होगी, उसमें इचिंग होगी, ठीक है, स्वेलिंग अराउंड द एनस, और आसपास हो सकता है कि बाहर से ही यहाँ पे सूजन आ जाए। इसके बाद है अ लंप नियर द एनस, लंप का मतलब होता है यहाँ पे जस्ट इसके हल्का सा अंदर से में थोड़ी सी गांठ बन सकती है, थोड़ा सा हार्ड टाइप का हो सकता है, वो पेनफुल हो सकता है और बहुत सेंसिटिव हो सकता है, मतलब वो अगर आप बैठेंगे प्रेशर पड़ेगा तो आपको दर्द महसूस होगा। और दूसरा क्या है कि वो जो गांठ होगी वो धीरे धीरे कठोर होती चली जाएगी, ठीक है, जो हार्ड लंप में, लंप का मतलब होता है गांठ, आपको इंग्लिश का हमेशा वर्ड याद करना है कि उसकी मीनिंग क्या होती है। उसके बाद लीकेज ऑफ फीसेस, अगर ज़्यादा सीवियर अगर कंडीशन है, ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा ये समस्या बढ़ चुकी है तो क्या हो सकता है कि अंदर की जो फीसेस, फीसेस का मतलब होता है मल, क्या बोलते हैं इसको, मल बोलते हैं, तो फीसेस भी खुद से खुद बाहर आ सकती है। अगर आपको बवासीर की समस्या है तो इसकी डिग्री ऑफ सीवियरिटी क्या होगी, डिग्री ऑफ सीवियरिटी का मतलब है कि ये जो बीमारी है आपको, ये जो गंभीर समस्या है उसकी गंभीरता दिन पर दिन कैसी होती चली जाती है, ठीक है, तो आपने ये महसूस किया होगा कि जब आपको बवासीर स्टार्टिंग में हुआ होगा तो ये कम है, था कम हुआ होगा, उसके बाद दिन पर दिन जो इसकी गंभीरता है ये और ज़्यादा गंभीर होती चली जाती है, तो हम उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सीवियरिटी। अब इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, 4 इसके स्टेज होते हैं, पहला क्या है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4, ये होता है कि टाइम के साथ वो कितनी ज़्यादा गंभीर होती चली जाती है, ठीक है। तो ग्रेड 1 में हम क्या देखते हैं, देखिए ये बाहर से अगर हम देखें तो एनस कुछ इस टाइप का दिखता है, एक खाली सा स्पेस हमें दिखता है बाहर से और अंदर से ये देखिए, अंदर से ये रेक्टम इस तरह, फिर अंदर से वो बढ़ियाँ शुरू हो जाती है उधर, ठीक है। तो अभी हम रेक्टम की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बाहर से बात कर रहे हैं, और अंदर से ये वाली तो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो बाहर से इससे क्या निकलता है, इससे मल निकलता है या फिर स्टूल निकलता है। मल और स्टूल दोनों का मतलब एक ही होता है, इंग्लिश में हम स्टूल बोलते हैं और हिंदी में हम मल बोलते हैं, तो मल यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ग्रेड 1 में क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी आपको हल्की सी जो वेसल्स है, जो खून की नली है, वो बाहर की तरफ स्किन के साथ नहीं आएगी और सिर्फ यहाँ से खून निकलेगा, ब्लड निकलेगा, और वो ब्लड जब निकलेगा तो दर्द महसूस नहीं होगा पेशेंट को, ये है ग्रेड 1, मतलब शुरुआत के दौर में, ठीक है। उसके बाद होता है ग्रेड 2, ग्रेड 2 में क्या होता है, ग्रेड 2 में यहाँ पे देखिए, ग्रेड 2 में यहाँ पे थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ठीक है, इस तरह अगर आप उंगली से टच करेंगे, अगर आप मल पास कर लेते हैं उसके बाद जब आप पानी से धोते हैं तो आप अगर उंगली से टच करेंगे तो यहाँ आपको कुछ इस टाइप का फील होगा कि कुछ बाहर की तरफ हल्का सा स्किन अंदर वाला निकला हुआ है, ठीक है, तो वो स्किन नहीं होता, वो खून की नली ही होती है जो हल्का सा फूल जाती है, सूज जाती है या फिर उसमें डायलेशन हो जाता है, तो वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है, और यहाँ से ब्लड निकल भी सकती है ग्रेड 2 में और नहीं भी निकल सकती है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है कि फिर जब आप मल पास करेंगे, जब प्रेशर फील के, प्रेशर के साथ जब आप मल पास करेंगे, प्रेशर फील होगा कमर के पास, बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो ये बाहर हो जाएगी, और फिर जब आप मल पास कर लेंगे तो फिर ये अंदर चली जाएगी और इसमें से खून निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है, ये होता है ग्रेड 2, ठीक है। अब ग्रेड 3 की बात करें तो ग्रेड 3 में क्या होगा, ग्रेड 3 में ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा बाहर रहेगा, मतलब देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है, और ये इस टाइप का आपको
काफ़ी ज़्यादा बॉडी के बाहर, ये देखिए एनस के बाहर इस टाइप का हो जाएगा, और आप जब फील करेंगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ बाहर सा है निकला हुआ, ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा। और ये अंदर नहीं जाता है, ये मल पास करने के बाद भी ऐसे का ऐसे ही रहता है, और पेशेंट को इसमें दर्द होता है, और जब पेशेंट को दर्द होता है और इसके साथ साथ इसमें से ब्लड भी निकलता है Grade 3 में। Grade 2 में क्या था कि ये अंदर जा रही थी, लेकिन अभी ये अंदर नहीं जाएगी Grade 3 में, ठीक है। उसके बाद होता है Grade 4। अब Grade 4 में क्या होगा, Grade 4 में यहाँ पे ये तो ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है, इससे खून भी आ रहा है, और साथ साथ ही ये जो नली है जो फूल करके जो सूजन के साथ इस तरह बॉडी के बाहर आ गई है, उसमें ब्लड का जमाव भी हो जाएगा, उसमें खून जमा भी रहेगा। जब खून जमा रहेगा तो यहाँ पे रेड लाल लाल सा ये हो जाएगा, ठीक है, देखिए इस तरह खून जमा हुआ रहेगा। और जब खून जमा हुआ रहेगा तो इसको रिमूव करने के लिए सर्जरी ही करनी पड़ती है। और Grade 3 में हम क्या करते हैं, Grade 3 में भी आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, और Grade 4 में भी आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, और इसमें सर्जरी करते हैं Grade 4 में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, Grade 4 अगर हो जाती जिसमें खून का जमाव हो जाता है इस तरह होकर के, तो हम बोलते हैं थ्रोम्बोस्ट हेमरॉइड, ठीक है। ये वर्ड याद रखने हैं, ये मेडिकल टर्म होते हैं जो आपको याद रखने हैं, एग्जामिनेशन में आपको हमेशा मेडिकल टर्म यूज़ करना है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, थ्रोम्बोस्ट हेमरॉइड, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है डॉक्टर के पास आप गए और फिर आपके साथ क्या क्या होगा, कौन कौन सी आपके साथ प्रोसीजर की जाएंगी, ठीक है। पहला क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन। इसका मतलब होता है, मैंने आपको जो अभी कारण बताया है कि माता पिता से भी बच्चों को आती है ये वाली कंडीशन, और बहुत सारे कारण होते हैं, खान पान हो देखते हैं पेशेंट का कि वो कैसा खाता पीता है, उसको फिर हम सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा फाइबर वाली चीज़ें खाइए, ठीक है, आप हरी सब्जी खाइए, आप फ्रूट्स खाइए। तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं कि क्या उसको कभी इस एरिया में बीमारी थी, उसका डाइट कैसा है, उसके पेरेंट्स की कंडीशन कैसी है, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है, जिसमें हम पास्ट और प्रेजेंट यानी कि बीते हुए कल और आज कोई डिजीज़ है या फिर नहीं है, कोई बीमारी उसको है या फिर नहीं है, फैमिली में जो किसी को ये प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, ये सभी को हम देखते हैं। और अभी वो कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहा है, हो सकता है कि कोई मेडिसिन की वजह से उसको कब्ज की समस्या हो और ये कंडीशन हो गई हो, तो इन सभी को हम बोलते हैं हिस्ट्री कलेक्शन, जिसमें बीते हुए कल और आज की जानकारी लेते हैं पेशेंट से जुड़ा हुआ, ठीक है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब हम इस वाले एरिया को देखते हैं, इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि अगर यहाँ से ब्लड आ रही है तो उसकी अमाउंट कितनी है, क्या ज़्यादा ब्लड आ रही है, क्या कम ब्लड आ रही है, या फिर उसके बॉडी में कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो रहा है इसकी वजह से, उसको हम बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम ऊपर से बहुत देखते हैं कि बॉडी में ऊपर से क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसके स्किन में चेंजेस आए हैं, उसके बॉडी में क्या खून की कमी हो गई है, क्या वो पानी कम पी रहा है, तो ये सभी बातों को हम देखते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद हम करते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब CBC, उसके बॉडी में अभी ब्लड की मात्रा कितनी है, इसको हम बोलते हैं CBC। डिजिटल रेक्टल एग्जाम करते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DRE। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये तो हेमरॉइड्स वाली हो गई, ये नॉर्मल हुई, ठीक है। तो नॉर्मल में हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स सबसे पहले ग्लव्स पहनते हैं, ये वाली जो फिंगर होती है उसमें हम कुछ चिकनी सी पदार्थ लगाते हैं, और फिर हम इस वाले एनस वाले एरिया में फिर उंगली करते हैं, ठीक है, मतलब कि अपनी जो फिंगर होती है उसको इंसर्ट करते हैं। जब इस वाले एरिया में जब हम इंसर्ट करते हैं तो हम चेक करते हैं कि अगर यहाँ पे सूजन होगी तो उस पेशेंट को दर्द महसूस होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई गांठ बनी होगी तो हमें फील होगा, तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जाम, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि क्या वहाँ पर गांठ बनी हुई है, क्या वहाँ के स्किन में कोई सूजन है या फिर नहीं है, उस सभी को हम डिजिटल रेक्टल एग्जाम में चेक करते हैं। इसके बाद होता है एनोस्कोपी और प्रोक्टोस्कोपी। इसमें प्रोक्टोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस तरह होता है लंबा सा, ठीक है, इसको हम इंसर्ट करके अंदर की तरफ हम डाल करके चेक करते हैं यहाँ से, ठीक है। और एनोस्कोप भी होता है जिसमें हम इस वाले एरिया को ही चेक करते हैं, ठीक है। कोलोनोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी का मतलब होता है, कॉलन को हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, इसका मतलब है कि ये वाली एरिया जो एनस है ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इन सभी को हम चेक करते हैं किसके माध्यम से, कोलोनोस्कोपी के माध्यम से। और सिग्मोइडोस्कोपी किसको बोलते हैं, ये वाली जो एरिया मुड़ी हुई होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, बड़ी आंत की, उसको हम बोलते हैं इस वाले एरिया को सिग्मोइड कॉलन, ठीक है। तो इसमें भी हम चेक करते हैं क्योंकि रेक्टम के आसपास के ऊपर की एरिया है, तो हम सभी जगह चेक कर लेंगे ताकि वहाँ पे कोई गांठ बनी हुई है या फिर नहीं है, इसका हम पता लगा पाए क्या वहाँ पे ट्यूमर्स हो गई है, या फिर ट्यूमर्स की अगर डेवलपमेंट हो रही है तो उसकी साइज कितनी है, तो उन सभी का हम पता लगाते हैं सिग्मोइडोस्कोपी के माध्यम से और कोलोनोस्कोपी के माध्यम से। अगर बवासीर की समस्या हो गई है तो हम इसका इलाज किस तरह से करते हैं, ठीक है, इलाज को हम बोलते हैं मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं। पहला क्या है, वार्म सिस्ट बाथ,
ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर ऐसी कंडीशन होती है किसी व्यक्ति को, तो हम कोशिश करते हैं कि उसके लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए, मतलब उसके खान पान में चेंजेस लाए, उसके खान पान में हम फाइबर्स को ऐड करें ताकि जो स्टूल है, जो मल है, वो आसानी से बॉडी के बाहर निकल जाए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम उसको बोल सकते हैं कि आप योगा कीजिए, जिससे कि आपका पाचन तंत्र सही रहेगा और पाचन की क्रिया अच्छे से होगी। लेकिन इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम हो गई है और यहाँ पे सूजन हो गई है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि आप वार्म सिड्स बाथ लीजिए। इसका मतलब होता है, बाथ का मतलब होता है नहाना, सिड्स का मतलब होता है, और वार्म मतलब गर्म पानी में, जो नहाने का टब होता है उसमें हम बोलेंगे व्यक्ति को कि आप बैठ जाइए गर्म पानी में 15 से 20 मिनट के लिए बैठिए, और ऐसा दिन में आप 3 बार कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर सूजन है तो गर्म पानी में बैठने से क्या होगा कि यहाँ पे एक तरह से इसको सेक मिलेगा, इसको आराम होगा पेशेंट को, जब उसको हल्का सा गर्म पानी में, जब वो यहाँ पे रहेगा, ये वाला जो एरिया है, जब गर्म पानी में होगा तब। लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमन होगी, अगर कोई महिला गर्भवती है और उसका लास्ट मंथ है, मतलब 9 मंथ है, और वो बच्चों को जन्म देने वाली है, ठीक है, बच्चे को वो जन्म देने वाली है, 9वां महीना चल रहा है, तो हम उसको मना करेंगे कि आप बाथ टब में ना बैठें और गर्म पानी में ना बैठें। मतलब ये जो गर्म पानी होती है वो ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती, ज़्यादा गर्म भी नहीं होती, लेकिन उनको हम मना करेंगे क्योंकि हो सकता है कि वेजाइना, जहाँ से ब्लीडिंग होती है हर महीने एक महिला को, वहाँ पे ये गर्म पानी चला जाए और बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम उनको बोलेंगे कि आप कपड़े को गर्म पानी में रख करके फिर उसको निचोड़ करके आप यहाँ पे सेक सकते हैं इसको, लेकिन आप गर्म पानी में नहीं बैठेंगे, ये चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। इसके अलावा डाइटरी चेंजेस, मैंने आपको अभी बताया है कि उसके खान पान में हम बोलेंगे कि फाइबर्स को ऐड करें, फ्रूट्स को ऐड करें, वेजिटेबल्स को ऐड करें, मतलब सब्जियाँ, हरी सब्जियां खानी चाहिए, वेजिटेबल्स खानी चाहिए, दलिया खानी चाहिए, ठीक है, मक्के की बनी रोटी खानी चाहिए, ठीक है, और जो रोटी वो खाते हैं उनमें ज़्यादा जो एक तरह से निकलता है दरदरा टाइप का, वो होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फ्लूइड, मतलब उनको दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पीना चाहिए एक दिन में, ठीक है, ताकि जो स्टूल है, जो मल है, वो सॉफ्ट हो और आसानी से बॉडी के बाहर आ जाए और कमर के पास कोई भी दबाव ना हो मल को पास करते टाइम में। एक्टिविटी सजेशंस, मतलब उनको एक्सरसाइज करनी है ताकि जो पाचन की क्रिया है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। नेचुरल फाइबर अंडरवेयर, इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति को हमें बोलना चाहिए कि आप सूती कपड़े का यूज करें। आप अगर अंडरवेयर पहनते हैं, ठीक है, तो आप कॉटन पहने, आप नाइलॉन का या फिर आप सिंथेटिक अंडरवेयर ना पहने, क्योंकि मल पास करने के बाद हम जनरली यहां पे धोते हैं, ठीक है, जब धोते हैं तो यहां की एरिया हो जाती है गीली और उसको सुखाना हमारा फर्ज है। मतलब अगर इन्फेक्शन नहीं फैलाना है बॉडी में तो हमारा फर्ज है कि हम अपनी बॉडी को अच्छे से रखें। नाइलॉन की या फिर अगर सिंथेटिक अगर कोई व्यक्ति यूज़ करता है अंडरवियर, तो क्या होगा, यहाँ का जो एरिया होगा वो गीला ही रहेगा, गीला रहेगा तो इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन रहेगा तो आदमी को अनकम्फर्टेबल फील होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्टूल सॉफ्टनर, मतलब जो एक मेडिसिन या फिर ड्रग्स कह लीजिए वो भी आती है, जो कि स्टूल मतलब मल को जो यहाँ से निकलता है उसको सॉफ्ट बनाती है, ताकि कब्ज की जो समस्या है, जो हार्ड मल है, वो वैसा ना रहे, ठीक है, और पेशेंट को थोड़ा सा आराम हो। हम ले सकते हैं इसको, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऊपर वाली सारी चीजें करें, ठीक है, मेडिसिन को आप थोड़ा सा अवॉइड ही करें। सातवां क्या है, ओवर द काउंटर एनाल्जेसिक्स, इसका मतलब होता है वैसे ड्रग्स, वैसी मेडिसिन जो आप जाएंगे दुकान पे और आपको तुरंत दे दिया जाएगा, जैसे कि आप नाम बताएंगे वैसे, ठीक है, लेकिन इस दवाई को लेने के लिए ओवर द काउंटर ड्रग का मतलब होता है कि इसमें डॉक्टर के पुर्जे की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग होते हैं, मतलब स्पेलिंग क्या होती है, प्रिस्क्राइब यार है, प्रिस्क्राइब्ड जो ड्रग होती है उसमें डॉक्टर के पुर्जे की जरूरत होती है, वो आपको डॉक्टर के पुर्जे के बिना कोई भी मेडिसिन नहीं देंगे। लेकिन ये जो ओवर द काउंटर ड्रग्स होती है, मतलब ओवर द काउंटर हम एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है वैसी मेडिसिन जो कि पेन को, दर्द को कम करती है, तो वैसे मेडिसिन हम ले सकते हैं दुकान पर जाकर के। सपोजिट्रीज जो कि इसमें इंसर्ट किया जाता है, वैसे ड्रग्स होते हैं ताकि स्टूल जो है, जो मल है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। अब
क्रीम भी आती है। टॉपिकल का मतलब होता है अगर यहाँ पे सूजन की समस्या है तो यहाँ के स्किन के ऊपर, मतलब अगर यहाँ पे कोई हम क्रीम लगाते हैं तो हम उसको बोलेंगे टॉपिकल, ठीक है। टॉपिकल क्रीम क्योंकि ऊपर से लग रही है, स्किन के अंदर नहीं ये जा रही है, ठीक है। तो टॉपिकल क्रीम होती है वो, तो टॉपिकल क्रीम्स आती है जो कि यहाँ पे लगती है। अब वो क्रीम में क्या क्या रहता है, मतलब उस क्रीम को बनाने के दौरान हम क्या क्या इन्ग्रेडियंट यूज़ करते हैं, क्या क्या सामग्री हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम नहीं बनाते इस क्रीम को, लेकिन इस क्रीम के अंदर में क्या क्या सामग्री यूज़ की जाती है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्या क्या होता है, कोका बटर, ठीक है, लेनोलिन, ये क्या होता है, ये भेड़ से ये निकाला जाता है, ये वाला जो तेल होता है वो, ग्लिसरीन, कोड लीवर ऑयल। कोड लीवर ऑयल में कोड फिश होती है, मतलब मछली होती है जिसके लीवर से ये तेल निकाला जाता है और उस मछली का नाम होता है कोड, ठीक है। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल, मतलब सब्जी वाली जो तेल होती है वो। अब तेल क्यों इस क्रीम में यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे ये जो एनल कैनाल है, कैनाल का मतलब होता है कि यहाँ पे जो स्पेस है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं एनल कैनाल, क्योंकि ऊपर से रेक्टम जाती रहती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर सूजन की समस्या है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किन एकदम सूखी पड़ गई है, क्योंकि यहाँ पे सूजन भी है, स्किन क्या हो रही है, फुल करके टाइट हो गई है, मतलब वहाँ पे स्वेलिंग भी है और टाइट हो गई है, तो हम ये सभी तेल का यूज़ कर सकते हैं। एक तरह से क्रीम समझ लीजिए, क्रीम हम यहाँ पे लगा सकते हैं जिसमें ये सभी चीज़ें हो सकती है। और ये सभी चीज़ों में से कुछ चीज़ें होती हैं कोई कोई क्रीम में, जिससे कि यहाँ का जो एरिया है वो सॉफ्ट रह सके, वो मुलायम रह सके, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ ड्रग्स होते हैं। अब ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, एनेस्थेटिक्स, इसका मतलब होता है कि ऐसे ड्रग्स जो कि सिर्फ यहाँ वाले एरिया को सुन कर देंगे। सुन का मतलब क्या होता है कि यहाँ के एरिया में कोई भी चीज़ अगर आप बैठेंगे तो आपको दर्द फील नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का जो सेंसेशन है वो ख़त्म हो गया है। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे इंजेक्शन लगा है एनेस्थेटिक का, ठीक है, तो अगर मेरे पूरे हाथ में वो क्या होगा, एक तरह से आप मुझे चींटी काटेंगे या फिर यहाँ पे कोई सुई चुभोएंगे, मुझे कुछ भी फील नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं एनेस्थेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाली क्रीम्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि ये वाला जो एरिया है वो सुन हो जाए और पेशेंट को दर्द फील ना हो। इसके अलावा है वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। हम ये जानते हैं कि हेमरॉइड्स या फिर पाइल्स की समस्या में क्या होती है, अंदर की जो खून की नली है वो फूल करके उसमें सूजन होकर के वो बाहर की तरफ निकलने लगती है, ठीक है। तो उसको सिकुड़ाने के लिए, वो सिकुड़ जाए इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर्स। इसके अलावा प्रोटेक्टेंट्स यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो आसपास। एस्ट्रोजेंट्स यूज़ करते हैं हम ताकि यहाँ पे जो स्टूल है, जब हम मल पास करते हैं और वो मल जब कठोर बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ की जो स्किन है वो कट जाती है, ताकि वो जो कट लगा हुआ है वो और ज़्यादा ना कट जाए। मतलब एक जगह कट लगा है तो हर जगह कट लग जाएगा, तो वो व्यक्ति को क्या महसूस होगा, वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम महसूस होगा, बहुत उसको दर्द होगा। इस चीज़ से बचाने के लिए हम एस्ट्रोजेंट्स को यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं ताकि यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। इसके अलावा केरोलाइटिक्स यूज़ करते हैं ताकि यहाँ का जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। मतलब ऑलरेडी यहाँ की स्किन सॉफ्ट होती है, लेकिन इस वजह से जब हेमरॉइड्स की समस्या होती है, बवासीर की समस्या होती है, तो यहाँ का जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है सूजन के कारण, ठीक है, तो वो सॉफ्ट हो जाए। एनाल्जेसिक्स, जिसमें दर्द महसूस ना हो, ठीक है। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसमें इन्फ्लामेशन, अगर यहाँ पे सूजन की समस्या है, ठीक है, सूजन की समस्या है तो उस सूजन को कम करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट की सर्जरी भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे अगर एनएस है, तो हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ब्लड क्लॉट हो गई है बाहर की तरफ, मतलब ग्रेड 4 वाला समस्या है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, तो हम सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन सर्जरी के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन हम सर्जरी तब तक नहीं करेंगे जब तक हम ये सारी चीज़ों को अपना ना लें, मेडिसिन को हम देंगे पेशेंट को, ताकि मेडिसिन से वो ठीक हो जाए। जब ऐसा हमें लगता है कि कोई भी मेडिसिन साबित नहीं हुई है कारगर, उस कंडीशन में ही हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपकी सर्जरी होगी, ठीक है। वो भी बहुत टाइप की होती है, लेकिन उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए। थैंक यू सो मच।